शहर में मंगलवार को हिंदवी स्वराज्य की बुनियाद रखने वाली राजमाता जिजाऊ की जयंती उत्साह के साथ मनाई गई। इस दौरान शहर के छत्रपति चौक पर आयोजित कार्यक्रम में मराठा सेवा संघ और जिजाऊ ब्रिगेड के पदाधिकारी और सदस्य ने बड़ी संख्या में उपस्थित रहकर राजमाता जिजाऊ की प्रतिमा को अभिवादन कर माल्यार्पण किया। इस मौके पर जय जिजाऊ जय शिवराय के नारों से परिसर गूंज उठा था। आज के ही दिन स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस होने से इस कार्यक्रम में स्वामी विवेकानंद जी को भी याद किया गया। बहरहाल इस कार्यक्रम में जिजाऊ ब्रिगेड की महिला पदाधिकारी प्राध्यापक अपर्णा पाटिल ने युवाओं से स्वराज्य रक्षक छत्रपति शिवाजी महाराज के गुणों को आत्मसात कर अपनी माँ के सपनों को पूरा करने के लिए प्रयास करने का आह्वान किया है। बहरहाल आयोजित कार्यक्रम में मराठा सेवा संघ और जिजाऊ ब्रिगेड के पदाधिकारियों और सदस्य सहित शिवप्रेमी नागरिक बड़ी संख्या में मौजूद थे। आज राष्ट्रमाता राजमाता जिजाऊ जयंती आणि युवकांचे प्रेरणास्थान असलेले स्वामी विवेकानंद ज्यांनी अतिशय कमी वयामध्ये आपल्या भारताची भारतीय संस्कृती पूर्ण जगामध्ये पोहोचवली त्यांचाही आज जन्मदिवस आहे। त्यांच्या जयंतीनिमित्त हार्दिक अभिनंदन आणि शुभेच्छा। आज या ठिकाणी कोविडचं हे जे कोरोनाचं जे संकट आहे त्या संकटावर मात करत असताना आपण सर्व नियमांचं पालन करत आम्ही अतिशय छोट्या प्रमाणामध्ये हा अभिवादनाचा कार्यक्रम आज या ठिकाणी घेतलेला आहे। सर्व समाज माध्यमांना सर्वांना माझी आग्रहाची विनंती आहे की प्रत्येकाने जिजाऊ जयंती स्वामी विवेकानंद जयंती घरोघरी करावी अशी माझी मनापासून इच्छा आहे। आणि जिजाऊचा आदर्श त्यांचा आणि जिजाऊचे पुत्र शिवाजींचा आदर्श प्रत्येक आजच्या युवकांनी फक्त एक जरी गुण घेतला शिवाजी महाराजांचा की आईचं स्वप्न पूर्ण करणं आपल्या आई वडिलांचे आदर्श पुत्र व्हावं त्यांनी हा एक जरी गुण घेतला तरी एक खूप मोठी समाजसेवा देशसेवा केल्यासारखं होईल असं मला मनापासून वाटतं। पुन्हा एकदा सर्वांना जिजाऊ जयंतीच्या आणि स्वामी विवेकानंद जयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा। धन्यवाद। BCN न्यूज के लिए देगरा से जुबैर खान की रिपोर्ट।